सामने किया गया था। आज की नशिश में दूसरा सबब आपके सामने जिक्र किया जा रहा है। दूसरा सबब है इंसान के नफ्स का फितना, कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो नफ्स अता फरमाया है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नफ्स दिया है, उस नफ्स को वो कंट्रोल में ना रखने की वजह से गुनाह कर बैठता है, गुनाह कर लेता है, बाद में उसे एहसास होता है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर इस बात का जिक्र किया है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब जेल से छूट गए ख्वाब की ताबीर बताने के बाद, तो बादशाह ने उनको अपने घर पर रख लिया। फिर मामला ये हुआ कि बादशाह की जो बीवी थी, वो बादशाह की बीवी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी है, उनको अपने तरफ मायल करने लगी। उनको अपने तरफ मायल करते हुए उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा, हैतलक, यूसुफ आ जाओ मेरे पास। अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व ताला ने उस वाक़े का तज़किरा सूरह यूसुफ़ के अंदर किया है। तो आगे जब उन्हें दावत दिया था उस औरत ने, तो उस वक्त का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ुबान से क्या कहा, क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, कहा वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स की सफाई बयान नहीं करता हूँ। ये कौन कह रहा है? नबी कह रहे हैं। मैं अपने नफ्स की सफाई बयान नहीं करता, मतलब मैं खुद साफ नहीं हुआ हूँ, अल्लाह ने मुझे बचाया है। इल्ला मा रहम रब्बी, सिवाय उसके कि जिस पर अल्लाह रहम कर दे। अल्लाह अकबर, मतलब यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस कौल को अल्लाह ने जिक्र किया है कि अल्लाह जिस पर रहम कर दे, अल्लाह जिसको बुराई से बचा ले, अल्लाह तबारक व तआला जिसको बुराई से दूर रख ले, वही बंदा बुराई से बच सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने से बच गया, अल्लाह ने मुझे बचाया। क्यों? इन नफ्सल अम्मारतुम बिस्सू, बेशक इंसान का जो नफ्स है वो बुराई करने को चाहता है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने जो नफ्स अता किया है, उसमें ये बात पैदा होती कि ये बुराई करे, कभी बखीली करके, कभी हसद करके, कभी ख्वाहिशात की इत्तबा करके, कभी गुमराही की तरफ जा करके। हर इंसान की ज़िंदगी के अंदर ये मामला पेश आता है। बाज दफ़ा नफ्स बखीली की शक्ल में गुनाह कराता है कि नहीं, अल्लाह के रास्ते में देंगे तो बखील बन जाएंगे। बाज दफ़ा नफ्स हसद की शक्ल में गुनाह कराता है, बाज दफ़ा नफ्स तकब्बुर की शक्ल में गुनाह कराता है, बाज दफ़ा नफ्स बेअमल करके गुनाह कराता है। यानी नफ्स का काम ही ये है कि सुबह से शाम तक सिर्फ गुनाह पर गुनाह, गलतियों पर गलतियां एक बंदा करता चला जाए। इसीलिए अल्लाह ने कहा इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। अगर एक शख्स बनजर गायर कुरान और हदीस का अगर मुताला करे, तो इसे बात समझ में आएगी, अल्लाह ने भी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नफ्स के बारे में कई सारे मकामात पर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स की वईदों के बारे में, नफ्स की खराबियों के बारे में, उसके अंदर कौन कौन सी आयत पाई जाती है, उसके बारे में बड़ी वजाहत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया है। उमूमी तौर पर अगर हम किताबों का मुताला करेंगे, तो उलमा ने नफ्स को तीन हिस्सों में बांटा है, नफ्स को तीन हिस्सों में तकसीम किया है। एक नफ्स, नफ्स अम्मारा। नफ्स अम्मारा का काम क्या है? सुबह से शाम तक नफ्स अम्मारा का काम सिर्फ ये होता है कि वो बुराई करने पर उभारता है। सिर्फ बुराई कर, बुराई कर, गुनाह कर ले, झूठ बोल दे, मकारी कर ले, जिना कर ले, फुला काम कर ले, वो सिर्फ यही काम करता है। दूसरा नफ्स क्या काम करता है? नफ्स लवामा। नफ्स लवामा का काम ये है कि आप जब बुराई कर लेते हैं तो उस पर मलामत करता है। अरे तूने बुराई कर लिया, बहुत गलत काम किया, मलामत करता है। किसी भी गुनाह के करने के बाद इंसान के दिल में खटक सी पैदा होती है, इंसान के नफ्स में एक खटक सी पैदा होती है, अरे तूने ये काम कर लिया। नफ्स लवामा का काम ये, नफ्स मुतमइन्ना। अल्लाहु अकबर, नफ्स मुतमइन्ना का काम ये है कि बंदा जब कोई अच्छा काम करता है, बेहतरीन काम करता है, तो उसके दिल में इत्मीनान और सुकून होता है, वो बंदा मुतमइन हो जाता है, वो बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इत्मीनान हासिल होता है। और ऐसा बंदा जब उसकी रूह कब्ज की जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ऐसे लोगों के बारे में कहेंगे, क्या कहेंगे? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए पाक रूह, ए पाकीज़ा रूह, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना,
ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, لوٹ چل اپنے رب کے پاس لوٹ چل. تو نے اپنے نفس کو پاک کیا, اللہ نے تجھے پاک کر دیا. تو نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے مطمئنہ کے لفظ سے پکارا. یا ایتہ النفس المطمئنہ, جو پاک روح والا بندہ اللہ کے پاس جائے گا, اللہ اکبر, جس کی روح پاک ہوگی, جس کا نفس پاک ہوگا, اس پاک نفس کے ساتھ جب وہ قبر میں دفن کیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس سے پوچھیں گے من ربو کا, وہ جواب دے گا بڑے اطمینان کے ساتھ, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. وہ جواب دے گا میرا دین اسلام ہے. وہ جواب دے گا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگایا, جس نے اپنے نفس کو گندگیوں کے پیچھے لگایا, جس نے اپنے نفس کو بخیلی کے پیچھے لگا دیا, جس نے اپنے نفس کو حسد کے پیچھے لگا دیا, جس نے اپنے نفس کو بربادیوں کے پیچھے لگا دیا, اس سے جب فرشتہ سوال کرے گا تو سوال کرتے وقت وہ کیا کہے گا؟ ہا ہا لادری, ہائے افسوس, مجھے پتا ہی نہیں کیوں میری روح خراب تھی, میرا نفس خراب تھا, میرا نفس برائی کرنے کو کہتا تھا, میں برائی کر لیتا تھا. ہائے افسوس, میں کچھ نہیں جانتا ہوں, میں اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا, میں اپنے دین کے بارے میں نہیں جانتا, میں اپنے نبی کے بارے میں نہیں جانتا. یہ اس شخص کا انجام ہوگا جس کا نفس پاکیزہ نہیں ہوگا, جس کے نفس کے اندر گندگی ہوگی, اس کا یہ انجام ہوگا کہ وہ قبر کے سوال کا جواب بھی نہیں دے پائے گا. اور آپ اندازہ لگائیں کتنے پیار سے فرشتے ان لوگوں کو لے کر جائیں گے جن کا نفس پاک ہوگا. تو یہ نفس کی تین قسمیں ہیں, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے نفس کو اطمینان والا نفس بنانا ہے. اطمینان والا نفس کیسے بنے گا؟ جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے, گناہوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے, فَأَمَّا مَن تَغَى, جس کسی شخص نے سرکشی کی, وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, لیکن جس کو خوف پیدا ہو گیا, جس کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی مجھے رب کے سامنے کھڑا ہونا, اللہ اکبر, یہ خوف اگر پیدا ہو جائے نا انسان غلطیاں نہیں کرے گا. جیسے ایک چور کو جب پتہ چلتا ہے مجھے حوالدار پکڑ کے لے کے جائے گا, اگر میں پکڑ گیا تو دھلائی بھی ہوگی, ساتھ میں مجھے پولیس چوکی میں بھی جمع کیا جائے گا, تھوڑا سا ڈر ڈر کے کام کرتا ہے. وَأَمَّا مَن خَافَ, جس کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا, ایسا ڈر نہیں کہ عالم صاحب کو دیکھے تو ڈر گئے, کسی بڑے آدمی کو دیکھے تو ڈر گئے. بات جیسے عورتیں ہوتی ہیں گلی کوچوں میں بیٹھی ہیں, عالم صاحب کو دیکھیں سر پہ دوپٹہ آ گیا, عالم صاحب سے ڈر, اللہ سے ڈرنا ہے. اللہ رب العزت کا خوف ایک انسان کے دل میں ہو. وَأَمَّا مَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا. مطلب ایک بندے کے دل میں ناظرین کرام یہ بات پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, گناہ لے کر جاؤں گا میں اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گا؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہو جا رہے ہیں غلطیوں کے ساتھ. جس بندے کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے بھی بچا لے گا. لیکن جس کو خوف نہیں ہوگا نا وہ کچھ بھی کرے گا. جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ, ان کو اتنا خوف تھا, اتنا ڈر تھا, صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور صحابیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنے ڈرتے تھے کہ ایک غلطی ہو جاتی تھی فوراً اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوتے تھے, اے اللہ کے نبی پاک کر دیجیے, مجھے پاک کر دیجیے, کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس گناہ کی بنا پر میری پکڑ ہو جائے. کیوں؟ انہیں خوف تھا, وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والے تھے, وہ اپنی شہوتوں کو قابو میں رکھنے والے تھے, وہ اپنے آپ پر ایسا کنٹرول کرتے تھے جیسا اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا تھا. ایک عورت تھی, اس سے زنا کا صدور ہو گیا. بتانا یہ کہ صحابہ اور صحابیات کے ذہن میں کیسے اللہ کا خوف تھا, اور آج ہمارے دلوں کے اندر, اور آج ہمارے دلوں کے اندر کس طرح کا خوف پایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے, غلطی ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا جا اللہ سے توبہ کر لے. دوبارہ پھر کہا مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے پاک کر دیجیے. کہا جا توبہ کر لے اللہ سے, توبہ کر لے اللہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تجھے اگر حمل ٹھہرا ہے, اس عورت نے اس بات کا بھی اقرار کیا تھا کہ مجھے حمل بھی ٹھہر گیا ہے,
कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जा तेरे पेट में जो बच्चा है जब वो पैदा हो जाएगा तब आना। अल्लाहु अकबर, इतनी फिक्र, क्योंकि अल्लाह के सामने जाना है ना। वो औरत गई, जब उसे बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चे को लेकर के अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुई। कहा अल्लाह के रसूल अब तो पाक कर दीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, जा पहले इस बच्चे को दूध पिला, जब बच्चा जब खाना खाने लगेगा तब मेरे पास लेकर आना। बच्चों को दूध पिलाने की मुद्दत अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, हौलैनी कामिलैनी, मतलब मुकम्मल मुद्दत गुजर चुकी है, उसके बाद भी उस औरत को यह एहसास है मुझे रब के सामने पेश होना है। और हमारा हाल क्या है, सुबह से शाम तक सिर्फ गलती। एक औरत सुबह जब टीवी चालू करती शाम तक बंद ही नहीं करती। ये सहाबियात का हाल है कि एक गलती हो गई, एक जिना हो गया है। आज जिनाकारी उम्मत में कितना आम है, एक जिना हो गया है, इस जिना को लेकर के वो अल्लाह के पास नहीं जाना चाहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को उस वक्त पाक किया जब वो बच्चा रोटी खाने लगा। ये औरत उस रोटी के टुकड़े को अपने बच्चे के हाथ में ला करके दी और नबी को दिखाया, कहा अल्लाह के रसूल देखो बच्चा रोटी खा रहा, अब तो पाक कर दीजिए। अल्लाहु अकबर। सहाबे कराम को हुक्म दिया इसको फलां जगह ले जा करके रजम कर दिया जाए। उसको रजम कर दिया गया। फिर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि इसकी तौबा को मदीना के 70 घरों पर तकसीम कर दिया जाए, तो 70 घर वालों की मगफरत हो जाएगी। ये वो लोग थे जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते थे, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरते थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह का वाकया मुस्नद अहमद की रवायत के अंदर है कि एक मरतबा अपने बाग के अंदर थे, तो इनके साथी का भी बाग बगल में ही था और रबी अल असलमी गालिबन सहाबी है। कहते हैं अबू बकर को भी अल्लाह के रसूल ने खेती दी, जमीन दिया, मुझे भी जमीन दिया, अबू बकर की खेती मेरी खेती बगल में थी। एक रोज अबू बकर से मेरा कुछ अनबन हो गया, कुछ मामूली सा झगड़ा हो गया। अब झगड़े के अंदर अबू बकर के जुबान से एक जुमला निकल गया रदियल्लाहु तआला अन्हु। कहते हैं अबू बकर रदियल्लाहु के जुबान से जब ये जुमला निकला उनको थोड़ी देर में एहसास हो गया। अबू बकर ने कहा ए रबी, जो जुमला मैंने कहा हूं तू मुझे वापस कर दे, इसके वापस करने से फायदा यह होगा कि बराबर का बदला हो जाएगा। रबी ने कहा वापस नहीं करूंगा, मैं रिपीट नहीं कर सकता, तुमने कहा क्यों। अबू बकर ने कहा अगर तू रिपीट नहीं करेगा तो नबी से शिकायत कर। तो कहा जाओ कर दो, जाओ कर दो। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तो खेत छोड़ दिए। अब फिक्र किस बात की होगी, उस गलती की कि रब के सामने क्या मुंह लेकर के जाऊंगा। मामूली सी गलती, ना गाली थी ना कुछ और, बस एक जुमला कह दिया था जो रबी को अच्छा ना लगा। भागे भागे नबी के पास गए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबी से थोड़ा तू तू मैं हुआ, मेरे जुबान से कलिमा निकल गया, उस कलिमे के निकलने की बिना पर मैंने रबी से कहा मुझे माफ कर दे, वो माफ नहीं कर रहा है। अल्लाहु अकबर। रबी रदी अल्लाह तआला इतने देर में नबी के पास पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबी से पूरा मामला सुना, अबू बकर से भी पूरा मामला सुना। रबी से अल्लाह के रसूल ने कहा ए रबी अल असलमी, एक काम करो, तुम जुमला रिपीट ना करो, बस सिर्फ इतना कह दो कि अल्लाह तबारक व ताला अबू बकर पर रहम फरमा दे। अल्लाह अकबर। रबी का इतना जुमला कहना था, हजरत रबी कहते हैं कि मैं अबू बकर की तरफ मुड़ करके देखा, उनके चेहरे पर जारो कतार आंसू गिर रहे थे, रो रहे थे। क्यों रो रहे थे, एक गलती हो गई, छोटी सी खता हो गई है, लफ्जिश की बिना पर जुबान से कलिमा निकल गया, गाली नहीं जुमला निकल गया। अल्लाह अकबर। इतना एहसास। वह अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी, रब के सामने जिसको खड़े होने से डर लग जाए ऐसा बंदा कामयाब है। वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे, अपने नफ्स को ख्वाहिशात को बुरे राहों पर जाने से बचा ले। फइन्नल जन्नत हियल मावा, ऐसा बंदा जन्नत में जाएगा। जन्नत अब्बा की जागीर नहीं है कि हम अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे, कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेंगे अल्लाह हम तो सैयद थे, हम तो फुला खानदान के थे, हम तो हमारे अब्बा तो बहुत बड़े आलिम थे। नहीं, ये सब कहने की बिना पर जन्नत नहीं। अपने नफ्स को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। नफ्स जब कंट्रोल में रहेगा बुराइयां नहीं होंगी, बुराइयों से इंसान बचता रहेगा। जैसे आप देख लें रमजान के महीने के अंदर नाज़रीन कराम कितने सारे लोग होते हैं अपने नफ्स को कंट्रोल में रखते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ, कैसी मिसाल, रमजान के महीने में नफ्स को कंट्रोलिंग के बारे में पता चलता है कि एक स्मोकर, एक शराबी, एक ऐसा बंदा जो भूख कभी बर्दाश्त ही नहीं करता है, लेकिन वही बंदा रमजान के महीने में हलाल खाना, हलाल पीना, हलाल बीवी, हलाल चीजों को तर्क कर देता है। क्यों, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह अकबर। खाना भी हलाल, पीना भी हलाल,
बीवी भी हलाल, तर्क क्यों करता है? इस बिना पर कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, बंदे तू कंट्रोल कर। और सौम के एक माने क्या है? अपने आप पर कंट्रोल रखना, अपने आप पर काबू रखना। असौम जुन्नतुन, रोजा क्या है? ये ढाल है। इसके जरिए से कयामत के दिन बंदा अल्लाह तबारक व तआला के जो अजाब है उससे बचा लिया जाएगा। तो रोजे के हालत में बंदा अपने आप पर कंट्रोल रखता है। किन चीजों से कंट्रोल करता है? अच्छे कामों से, यानी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल किया उसको नहीं खाता है, लेकिन जो हराम चीज है उससे कंट्रोल नहीं कर पाता है। सुबह से शाम तक खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिया, लेकिन जो स्मोकिंग की आदत थी, जैसी ही उसने एक घूंट पानी पिया, लाओ बेटा जल्दी से सिगरेट दो, उसकी आदत होती है, उसकी बिल्कुल आदत बन जाती। क्यों? इसका नफ्स कंट्रोल नहीं। जिसका नफ्स काबू में नहीं, वो आदमी बर्बाद हो जाएगा। कद अफलहा मन ज़क्काहा, ऐसा आदमी कामयाब हो गया, मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया। वकद खाबा, ऐसा आदमी बर्बाद हो जाएगा, ऐसा आदमी खड्डे में गिर जाएगा, ऐसे आदमी की गाड़ी क्रैश हो जाएगी। जो ये कहेगा कि गाड़ी मेरे काबू में नहीं है, मेरा जिस्म मेरे काबू में नहीं है, बहुत कोशिश करता हूँ गाली ना दूं लेकिन निकल जाता है, बहुत कोशिश करता हूँ सिगरेट ना पीऊं लेकिन पी लेता हूँ, बहने कहेंगे बहुत कोशिश करती हूँ बुरका लगाने की लेकिन होता ही नहीं है। जो ये कहता है मैं कंट्रोल में नहीं हूं, मन दसाहा, ऐसा आदमी बर्बाद हो जाएगा। जो अपने आप को खुला छोड़ देगा, जो अपने नफ्स को खुला छोड़ देगा, ऐसा आदमी बर्बाद हो जाएगा। उस शख्स के लिए बर्बादी है जिसके दिल के अंदर जो भी बातें आ रही सब करने के लिए तैयार है। जो भी चीज आ रही, दिल में आ रहा है बुराई कर, कर रहा है बुराई, दिल में आ रहा है जिना कर रहा है जिना, दिल में आ रहा है चल फिल्म देख कर आएंगे देख रहा है, दिल में आ रहा है झूठ बोल बोल रहा है, दिल में ख्याल आ रहा है कुछ भी गलत काम कर कौन देखना, सब काम कर रहा है। अल्लाह ने क्या कहा? बर्बाद हो जाएगा ऐसा बंदा। नाज़रीन इकराम, बताना ये है कि अगर हमने अपने नफ्स को कंट्रोल में नहीं किया, गुनाह में पड़ने का सबसे अहम सबब यही होगा। क्योंकि पहला फितना जो मैंने बताया था वो शैतान का फितना था। शैतान दिल में वसवसा डालता है। वो क्या करता है? मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लाह ने कहा कि ए लोगो तुम अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करो शैतान मर्दूद से। जो शैतान नफ्स में क्या करता है? वसवसा डालता है। अब वसवसे के बाद क्या करता है बंदा? उस वसवसे की इत्तबा कर लेता है। जो वसवसे की इत्तबा कर लेता है ऐसा आदमी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे अल्लाहु अकबर, हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करने के बारे में कितनी प्यारी सी दुआ सिखाई है। नाज़रीन किराम में से अक्सर लोग जो होंगे शायद उन्हें नहीं पता होगा, इतनी प्यारी सी दुआ सही मुस्लिम की रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स के बारे में दुआ करते थे। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को तक्वा अता फरमा दे। नफ्स बहुत गंदा हो चुका है, नफ्स बहुत गंदा हो चुका है। अल्लाह से हम दुआ करें कि ऐ अल्लाह खूबसूरत तो हम बहुत हैं, हमारे चेहरे पर रोशनी है, बहुत रोशनी है, दिन भर टोपी पहन के रखते हैं, कुर्ता पजामा पहन के रखते हैं। ऐ अल्लाह नफ्स को मुत्तकी बना दे, चेहरे के एतबार से तो मुत्तकी दिख रहा हूँ, ऐ अल्लाह दिली एतबार से मुत्तकी बना दे। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तक्वाहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स को मुत्तकी बना दे। ज़क्कीहा, ऐ अल्लाह मेरे नफ्स की गंदगी को तू पाक कर दे। नफ्स में बड़ी गंदगी है, चेहरे पे 5 बार धुलता हूँ कभी गंदगी लगती ही नहीं, कपड़े पे गंदगी लगती है साफ हो जाती। ऐ अल्लाह नफ्स तो इतना गंदा हो चुका है कि इस नफ्स में खुराफात है, इस नफ्स में बिदात है, इस नफ्स में शिरकियात है। ऐ अल्लाह मेरे नफ्स की गंदगी को तू साफ कर दे। ज़क्कीहा अंत खैरु मन ज़क्काहा, अंत वलीयुहा व मौलाहा, ऐ अल्लाह इस नफ्स का मुहाफिज तू ही है, तेरे अलावा कौन मुहाफिज है, तू ही हिफाजत करने वाला है। अंत वलीयुहा मौलाहा, ऐ अल्लाह तबारक व तआला तू ही इसका मुहाफिज है, तेरे ही अंडर में हमारा नफ्स है, ऐ अल्लाह हमारे नफ्स को तू पाक कर दे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआओं में से एक अजीम दुआ जो अल्लाह के नबी सब अपने नफ्स के बारे में क्या करते थे, यही दुआ थी। आप सोचो दुआ कौन कर रहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स के बारे में दुआ कर रहे हैं, और हमारी हालत ये है कि हमारा नफ्स इतना गंदा हो चुका है, कोई दुआ नहीं। ऐसी कोई मशीन नहीं आज ईजाद हुई है कि जिसके जरिए से आप अपने नफ्स को निकाल करके आप खुद उसके अंदर चले जाएं, बाहर निकलें तो बड़े अच्छे आदमी बन के निकलेंगे। नहीं, ऐसी कोई मशीन इस दुनिया के अंदर ईजाद नहीं हुई। अपने नफ्स की अगर आपने इसलाह कर ली, याद रखें गुनाहों से अपने आप को बचाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी आपको। तो दूसरा सबब जिसकी बिना पर हमारे भाई हजरात,
हमारी बहनें जो गुनाह में मुलव्विस होती हैं, वो ये कहते कि कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। कोई लड़की कहती कि फुला मेरा आशिक था, उसको बहुत भुलाने की कोशिश कर रही हूँ, भूल नहीं रहा है। कोई लड़का कहता उसको डर ही नहीं अल्लाह के बारे में, या कोई लड़का कहता है मेरे महबूबा मुझे नहीं भूल रही है। तो ये नफ्स को काबू में ना रखने की वजह से आखिर का अंजाम यही होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नफ्स की इस्लाह करें। ये सबबों में से दूसरा सबब नाज़रीन हमने आपके सामने जिक्र किया।